नमस्कार। सो आज आपके लिए मैं लाया हूँ वेस्ट बंगाल के नेक्स्ट स्टेप्स। देखिए, ये वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, और मैं आपको बार बार कहता हूँ, ऐसे ही हर स्टेट की, हर जगह की आती है, जहाँ पर हमें ये बटन दबाना होता है, यूजी मेडिकल एंड डेंटल काउंसलिंग। और ये ऐसे है कि आज तक भी इन्होंने ऑफिशियली, जिसे कहते हैं ना, डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं डाला है। लेकिन और अभी इनके शेड्यूल को देखते हैं, जो लेटेस्ट रिलीज हुआ था, जिससे कि राउंड टू का जो रिपोर्टिंग है वो परसों तक चल रहा था, राउंड तीन की रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होगी, मतलब सॉरी, आज से सुबह से स्टार्ट हो जाएगी, 8 तारीख से। और ये 8, 9, 10, 11, 4 दिन आपके पास समय है। बहुत बेसिक रजिस्ट्रेशन फीस होती है बंगाल में सिर्फ 2,500 रुपये की, जो बड़ा आसान होता है देना। लेकिन समस्या बंगाल की क्या है कि जैसे ही आप पैसे देते हो, अगेन आई थिंक द ओनली स्टेट इन इंडिया, इस बार राजस्थान ने भी कोशिश करी थी, जहाँ पर हर तरह के बच्चे को, चाहे आप नॉर्मल जनरल कैटेगरी के बच्चे भी हैं, आपको इन 2 दिनों में कैलकाटा या जो भी आप सेंटर चूज करेंगे, जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, और ये उन्हीं के लिए है जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको यहाँ जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए, जो कि वैसे तो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें एक बड़ा स्पेशल डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो अगेन होम पेज पे पड़ा हुआ है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि बाहर से आना है। उसके बाद जब आप, तो एक एक आपका कैलकाटा का चक्कर लगेगा लगेगा, जिसमें बच्चे का होना जरूरी है। तो अगर हम बच्चे को अकेले, तो कौन भेजेगा आजकल 17-18 साल के बच्चे को, और एक पेरेंट भी साथ जाता है, तो आप समझ लीजिए आना जाना सब मिला के आपका एक बड़ी, मतलब 30-35 हज़ार का तो खर्चा होगा ही होगा ना, 2 फ्लाइटें जाने की, 2 फ्लाइटें आने की। लेट से आप एक दिन स्टे करेंगे, कि 14 तारीख को आपने सुबह की भी फ्लाइट ली, तो आप कोशिश करेंगे कि कोई देर सवेर ना हो जाए, तो 15 को वापस आओ। तो ये है कि इन्होंने 35 हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा डाल रखा है लोगों पे। हाँ, आप अभी से टिकट वगैरह करा लो, ट्रेन वगैरह की आपको सूट करता है, तो आप पैसे बचा सकते हो। फिर 16 तारीख को वो लिस्ट होगी, जो या मेरिट लिस्ट कहते हैं, मीन, फिर चॉइस फिलिंग होगी सेम 2 दिन, 16 से 17। अलॉटमेंट रिजल्ट का 3 दिन का गैप दिया, और ज्वाइनिंग दिया सिर्फ 2 दिन के लिए, 22 और 23 तारीख। ज्वाइनिंग में आपको कॉलेज जाना होता भाई, कैलकाटा में ही सेंटर पे इनका काउंटर्स लगते हैं। क्लियर। अब वो जो डॉक्यूमेंट था, उसमें एक जो खास डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो जाने से पहले आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के जाना है। क्लियर। ये सर्टिफिकेट की कॉपी देख लीजिए। अब ये था लास्ट राउंड का सीट मैट्रिक्स। इससे आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज बंगाल साइड पे है। मोस्टली देखिए, अगर हम बंगाल की बात करें, तो 2 प्राइवेट कॉलेज हैं कैलकटा सिटी के अराउंड, एक GIS बोलते हैं, जगन्नाथ गुप्ता बोलते हैं। उसके बाद आप दुर्गापुर में आते हैं, तो 3 कॉलेज आपको मिलेंगे, गौरी देवी, IQ सिटी एंड रामकृष्णा। दुर्गापुर से 1 घंटा दूर एक शहर है बोलपुर, वहाँ पर आपको मिलता है शांति निकेतन। तो शांति निकेतन बोलपुर में, 4 3 हो गए, दुर्गापुर में 3 और 1 4, 2 जैसे मैंने कहा था कैलकटा में थे, 6। एक कॉलेज है हल्दिया में, जैसे बोलते हैं आई केयर, 7। फिर एक लास्ट ईयर आया था JMN, और फिर इस साल आया है कृष्णा नगर। तो कुल मिला के 9 कॉलेज हो गए। ये देख, कृष्ण नगर है ना, 9 कॉलेज हो गए। इनमें इनमें हर कॉलेज में 25% सीट जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं लोकल बंगाल डोमिसाइल के लिए। ओके, और काफ़ी, मतलब 4 लाख रुपए साल पे उनको मिल जाती है, तो उनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। बाकी सीट्स ऑल इंडिया अवेलेबल हैं, और कुछ सीटें हैं जो NRI भी हैं। NRI किसी कॉलेज में, किसी में नहीं है, राइट। तो जब कृष्णनगर की बात करें, तो इसमें NRI सीट नज़र नहीं आ रही। JMN में NRI सीट है, JIS में NRI सीट, प्राइवेट स्टेट कोटा NRI है। तो कहीं है कहीं नहीं है, आप इस राउंड टू से आईडी लगा सकते हैं, जबकि ये राउंड टू के पहले वाला सीट मैट्रिक्स था। तो राउंड टू में तो अलॉटमेंट्स हो चुकी हैं, और उसके हिसाब से लोगों ने एडमिशन्स ले लिया है। बहुत रफली बोलूँ तो बंगाल में सारे कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 20 लाख से लेके 22 लाख तक है, एक का शायद 19 लाख भी है। तो रफली स्पीकिंग 90 लाख से 1 करोड़ रुपये आता है फीस स्ट्रक्चर, 2 लाख रुपये हॉस्टल होता है, तो टोटल जो आपका खर्चा है वो 1 करोड़ से 1.1 करोड़ तक जाता है। अब ये कहीं नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, कहीं नहीं लिखा हुआ अंदर, लेकिन बंगाल के तकरीबन हर कॉलेज में एक बैंक गारंटी लगती है। तो अगर आप किसी भी कॉलेज की होम पेज पे जाएंगे, आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे,
आपको बहुत आसानी से वो बैंक गारंटी का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। और बैंक गारंटी सिंपल जो मैंने आपको समझाया था कि जो आपने फीस दी है इसके अलावा जितनी फीस बची है उसका आप ये देखिए ऊपर ऊपर दिखा दिया, इस फॉर्मेट में आप बैंक गारंटी बनवाएंगे अपने बैंक से। और फिर से मैंने कहा कि जैसा राजस्थान में बंगाल में भी तकरीबन सारे कॉलेजेस को सब कुछ सोल्यूशन देते हैं, बैंक गारंटी के बदले आप एक्स्ट्रा फीस दीजिए या कुछ एक्स्ट्रा दीजिए तो आपकी बैंक गारंटी वेव ऑफ कर दी जाएगी। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग हम मान के चलिए कि देखिए बैंक गारंटी लेने का पर्पज़ ये होता है कि भैया अगर कल को तुम्हारे पेरेंट्स फीस ना दे पाए, तुम कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाओ किसी भी वजह से, तो हमारी फीस नहीं भरनी चाहिए, बिकॉज प्राइवेट MBBS की फीस है बहुत ज़्यादा, बहुत महंगी। तो इसलिए दो ही स्टेट्स हैं इंडिया में, राजस्थान और बंगाल। और जैसा कि हम जानते हैं माला रेड्डी MCC ने भी बैंक गारंटी मांगी, तो MCC का एकमात्र कॉलेज जो बैंक गारंटी मांग रहा है, पर वो 1 साल की मांग रहा है, 1 साल की फीस की, ये लोग तो बाकी पूरे फी कोर्स की मांगते हैं। और इसी के लिए वंस अगेन बहुत ज़रूरी होता है कि आप एटलीस्ट जिस भी कॉलेज का आपका टारगेट है, ड्रीम है, तीन चार कॉलेज हैं, क्योंकि अगर आपको ये भी नहीं पता, कभी होता हम एक कॉलेज का टारगेट लेते हैं पर वो कॉलेज मेरिट से मिला ही नहीं, क्योंकि आपसे ऊपर के नंबर के बच्चों ने आके सीट ले ली, आप एक पर्टिकुलर कॉलेज को पकड़ के चले, आपने वहाँ डील भी कर ली, बात भी कर ली, पर लेकिन आपको मेरिट में नंबर नहीं आया। तो एक गुड कंसल्टेंट का काम यही होता है जो मैं हमेशा समझाता हूँ कि चूंकि अच्छे कंसल्टेंट के पास लेट से आप जैसे 20 बच्चे होंगे तो 4 बच्चे एक कॉलेज में चले जाएंगे, 4 कॉलेज बच्चे दूसरे में, 4 तीसरे में, और जो भी बैंक गारंटी का वे ऑफ की कंडीशन है वो बैलेंस हो जाती है। तो पता चले कि किसी को जाना था ए कॉलेज में पर वो पहुंच गया बी कॉलेज में, कोई बात नहीं, पर सेम जो इसको बेनिफिट था वो ए से बी में अपने आप ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। बंगाल को लेके या राजस्थान को लेके या पूरे हिंदुस्तान को लेके मैं ये भी क्लियर कर दूँ, बहुत सारी बातें होती है रिगार्डिंग नेगोशिएशन, और मैंने कई बार आपको वीडियोज़ में समझाया जब ये साल शुरू हुआ था और जब 2023 भी शुरू हुआ था। देखिए 2022 वॉज अ वेरी बैड ईयर, ओके, कोविड की वजह से बिजनेसेस डाउन थे, प्रॉपर्टीज डाउन थी, और देखिए प्राइवेट MBBS बहुत महंगी चीज़ है, हर एक आम इंसान तो अफोर्ड कर नहीं सकता, तभी तो 200 नंबर वाले को सीट मिल रही है ना, 12 लाख रैंक वाले को सीट मिल रही है, जबकि इंडिया में टोटल सीटें तो 1,15,000 ही हैं, 12 लाख रैंक वाले को क्यों मिलती है सीट, कि उसके ऊपर के बहुत सारे बच्चे हैं वो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ये जो अफोर्डेबिलिटी वर्ल्ड है ना, ये हर साल बदलता है, ये 2022 में बहुत डाउन था, तो 2022 में तो बिल्कुल अच्छे अच्छे कॉलेजों ने शायद लास्ट के 3 दिन में फ़ोन कर करके बच्चों को बुला के 15-15, 20-20% का डिस्काउंट दिया। उसी 2022 के एग्जाम्पल को लेके 2023 में लोगों को लगा कि हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, वो लास्ट तक वेट करते रहे, और कुछ कॉलेजों ने एक्चुअली दिया 2022 के डर के मारे। देखिए एवरीबडी इज नॉट अ इकोनॉमिस्ट लाइक मी, और एवरीबडी कैन नॉट और डू नॉट ट्रेस और ट्रैक द इकोनॉमी, चाहे मैं काउंसलर्स की बात करूं, चाहे जो कॉलेज में एडमिशन ऑफिसर्स बैठे हैं वो कौन सा सारे इकोनॉमिस्ट है। तो वो 22 को देख के डर गए थे, तो 23 में आपने याद किया होगा, आपके सीनियर से बताओ, शुरू शुरू में ही काफ़ी सारे तमिलनाडु, पौंडेचेरी, काफ़ी सारे बंगाल, राजस्थान, काफ़ी सारे डीम्ड के NRI में अच्छी नेगोशिएशंस हुई। अब 2024 जब स्टार्ट हुआ है, मैं तो यही कहता हूँ, कहता चला रहा हूँ कि इकोनॉमी वाइज 2024 इज डूइंग फैंटेस्टिकली वेल अक्रॉस इंडिया, लोगों के जेब में पैसा भर भर के भरा हुआ है। ये बातें कॉलेजों ने भी समझ ली, खासकर राउंड 1 के बाद, 2 के बाद, जब उन्होंने रिस्पॉन्स देखा कि भाई जो कॉलेज 2022 में, जैसा मैंने कहा, अरे यूपी का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 2022 में प्रैक्टिकली शायद 98 नंबर पे भी यूपी में सीट्स मिली हैं, 2023 में 212 में मिली हैं, इस साल 253 गया ना। मैं मानता हूँ रैंक वाला फैक्टर था, बट रैंक फैक्टर के हिसाब से भी हमने सोचा था 300 में मिलेगा, पर 353 में क्यों मिली, क्यों खत्म हो गया, क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। तो उसकी वजह से ना नेगोशिएशन इस साल बहुत कम हो रही है अभी तक, मतलब लोग पूरी फीस देने को तैयार हैं तो कॉलेज वाले भी तो पूरी फीस लेंगे ना। तो आप नेगोशिएशन कोई भी आपको प्रॉमिस कर रहा है, बहुत सोच समझ के आप देखिए करिए, दिमाग में प्रैक्टिकली ये सोच के चलिए कि नेगोशिएशन नहीं होगी। मतलब कोई 2-4-5 कॉलेज पूरे इंडिया में कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मैं महाराष्ट्र क्यू कोटा या MPNRI की बात नहीं कर रहा, जहाँ 50 लाख का MRP है, देखिए उनको तो नेगोशिएट करना ही पड़ेगा, वो तो MRP ही झूठ है, वो MRP जबरदस्ती का है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल फीस का 3 टाइम NRI की फीस बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट कर देती है, जबकि कॉलेज वाले खुद को पता है कि मैंने 17 लाख नॉर्मल फीस रखी है तो 54 लाख रुपये कौन देगा पर ईयर, बट उनके हाथ बंधे हुए हैं।
लेकिन जहां पर 20 22 25 लाख रुपए साल तक की फीस है, वहां बहुत आराम से लोग इस बार फीस अफोर्ड कर रहे हैं। और इसलिए नेगोशिएशन के चक्कर में मत रहिए, जो आपको प्रॉमिस कर रहा है मैं इतने में करा दूंगा उतने में करा दूंगा, वो बेसिकली क्या करते हैं ये भी समझ लीजिए, वो लास्ट डे का वेट करते हैं कि लास्ट डे पे अगर वही किसी कॉलेज की सीट खाली जा रही होंगी दो तीन, तो शायद वो आपको नेगोशिएट करके दिला देगा। और उसका फ्लिप साइड ये होता है भाई कि फिर आप ड्रॉप करने के लिए भी तैयार रहिए, वो शायद वो लोग नहीं बताते। मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं कि सर लास्ट तक ट्राई कीजिए, किसी को ये इंटरेस्ट होता है कि अच्छा कॉलेज मुझे चाहिए, लास्ट तक ट्राई कीजिए। मैं आपको शायद एग्जाम्पल भी दिया था कि लास्ट ईयर हमने बिल्कुल लास्ट में किसी गुरु राम राय दिलाया, लेकिन ये कहकर हम चले थे कि भाई ये भी हो सकता है कि तुम्हें ड्रॉप करना पड़ जाए। और हमने तो सेम ही फीस ली थी जो मैं सबसे काउंसलिंग फीस लेता हूँ, कोई हमने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया था कि हमने आपको गुरु राम राय दिला दिया। मिलना तो अपने आप ही है ना, मिलना तो बंगाल कॉलेज भी अपने आप है, हर जगह अपने आप मिलना है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फीस, द MRP ऑफ द फीस, उसकी वजह से डिस्काउंट, या ये जो बैंक गारंटी के ड्रामे आ जाते हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, सिंपल भाषा में, देसी भाषा में, कि उसकी वजह से हम पहले बात करते हैं, बात करके भी कोई सीट गारंटी नहीं दे सकता। ओके, तो कमिंग बैक टू बंगाल, वो 9 कॉलेज का लिस्ट मैंने आपको बता दी, ये मेडिकल फॉर्मेट आप जरूर बनवाइएगा। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बंगाल में, नीट एडमिट कार्ड भी देखा जाता है स्कोर कार्ड के अलावा, और नीट रजिस्ट्रेशन कार्ड भी देखा जाता है। तो ज़रूर जो हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि 25 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, कि जब से आपने नीट का फॉर्म भरा है तब से जितने कागज आपके काम के हैं, 10वीं 11वीं 12वीं मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, बंगाल का फॉर्म का प्रिंट आउट, आधार, सब लेकर जाइएगा, फोटोग्राफ्स सबकी, कलर पिक्चर ओरिजिनल भी, दो दो कलर कॉपी भी, सब लेके जाइएगा, क्योंकि आपको 2 दिन के लिए यहाँ बंगाल पहुँचना पड़ेगा। ओके, एंड अगेन आई रिपीट, जिसको भी चाहिए आप ज़रूर कॉलेज में पहले बात करिए, या किसी कंसल्टेंट के थ्रू जो आपको ग्रुप से बात करवा दे, ताकि आप बैंक गारंटी के चक्करों में ना पड़ जाएं और फिर लास्ट मोमेंट पे आपको सीट छोड़नी पड़ जाए। देखिए बंगाल में ये फायदा है कि आप सीट नहीं भी लेते तो 2,500 का नुकसान होगा, ये लोग डिपॉजिट नहीं लेते हैं, प्लस जो आपका आने जाने खर्चा होगा। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि राउंड 3 में आपने बंगाल अलोकेट करा लिया, तो चौथे राउंड में कहीं और भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना? तो बहुत सोच समझ के भी ये हमें ये अलॉटमेंट लेटर्स लेने हैं। और जहाँ पर NRI सीट्स हैं आप जानती हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे वो सवाल पूछेगा, और NRI है तो आप NRI के पेपर्स लगाइए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लाइक MPN कर्नाटका, और बिहार और बंगाल भी ऐसे हैं जहाँ नॉन फर्स्ट ब्लड NRI चला दिया जाता है, तो उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब कहाँ कितनी NRI सीटें बची भी हैं उसका फैसला, या उसकी जो जानकारी है वो मैक्सिमम आज आ जानी चाहिए, जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। तो आई होप कि सीट मैट्रिक्स को भी जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा। ओके, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। आप जानती हैं हमसे अभी भी संपर्क करना चाहें, जबकि 8 अक्टूबर आज हो ही चुका है, तो यू नो द नंबर, 9643362320। हम पहली कॉल के भी चार्ज लेते हैं, आपको पता ही है, 5,000 रुपये। और उसके अलावा अगर आपको इस तरह से हमें पूरी वो डील करानी है, तो जो हमारा सर्विस चार्ज है 1.5 लाख रुपीज़ रहता है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। 9643362320।